हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे अपनी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों के साथ एक प्रॉब्लम आ रही है कि आप लोग यूट्यूब से किसी वीडियो को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप लोग किस प्रकार से अपने इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक वीडियो को डाउनलोड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो वीडियो है वो डाउनलोड नहीं क्यों हो रहा है। तो देख सकते हैं, वेटिंग फॉर वाईफाई टू डाउनलोड ऐसा लिख के आ रहा है। आप लोग के साथ भी ऐसा लिख के आ रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग किस प्रकार से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते। तो गाइज चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज मैं आपको ये बता देता हूँ कि आखिर ये रीज़न क्या है कि ये इशू आ रहा है। तो गाइज इसका जो है दो रीज़न है। पहला रीज़न क्या है कि अगर आप लोग प्ले स्टोर पर जाते हैं और कोई भी VPN नाम के एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं ना, तो आप लोग का डाउनलोड हुआ वीडियो ना ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाता है। काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि हमारा जो डाउनलोड हुआ वीडियो है ना, वो भी ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाता है। तो कारण रीज़न यही है कि गाइस आप लोग VPN यूज़ करते हो, ठीक है। अब दूसरा जो रीज़न है गाइस, वो ये है कि अगर आपने यूट्यूब कोई सेटिंग किया है ऐसा जिससे कि ये इशू आता है, तभी ये आएगा, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, इसे कैसे सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए आपको लाइब्रेरी के बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको डाउनलोड के बटन पर जाना है, उसके बाद आपको 3 डॉट के बटन पर क्लिक करना है ऊपर में, फिर सेटिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सॉरी गाइज आपको बैक आना है। यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करना है, उसके बाद सेटिंग पे जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है आपको, डाउनलोड ओवर वाईफाई ओनली, ठीक है। तो इसे यहाँ से ऑफ़ कर देना। ऑफ़ करने के बाद क्या करना है कि आपका जो वीडियो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं होता है तो 3 डॉट पर क्लिक करना वीडियो के, उसके बाद एक बार पॉज कर देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ, उसके बाद हमारा जो वीडियो है ना वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे एक बार पॉज कर देता हूँ। तो गाइस जैसे कि मैं यहाँ पे पॉज कर दिया, उसके बाद देख सकते हो कि यहाँ पे जो है हमारा 0% लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा 1% हो गया, तो हमारा वीडियो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। इस प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।